हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SBI क्रेडिट कार्ड गिफ्ट वाउचर नॉट रिसीव। काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप घर पे नहीं होते हो, जिसके कारण आप तक गिफ्ट वाउचर नहीं पहुँचता पोस्टमैन की वजह से, या फिर कभी कुछ एरर हो जाता है, या कभी कभी डिले हो जाता है। तो कैसे आपको अपना गिफ्ट वाउचर मंगाना है, एक ईमेल के थ्रू मैं आज इस वीडियो में आपको करके बताऊंगा। तो आपको भी वही फॉलो करना है पैटर्न। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप किए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, बिकॉज आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, एक जीमेल लिखना होता है हमें। आपको क्या क्या लिखना है मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे नाम, नंबर और रिक्वेस्ट, ये तीन चीज़ें लिखना होती है, और कैसे लिखना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, आपको भी वही फॉलो करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, जो आपका SBI में नाम था वही लिखना है। उसके बाद आता है नंबर, थोड़ा स्पेस देके नंबर लिखना है। नंबर जब आप लिखोगे दोस्तों, तो ध्यान रहे नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर मत डालना वरना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट। दोस्तों, रिक्वेस्ट में आप वही लिखोगे जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और दोस्तों आप अपने हिसाब से भी ये रिक्वेस्ट लिख सकते हो या फिर मेरा कॉपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट में आपको क्या लिखना है, मैंने क्या लिखा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है, आई डोंट रिसीव माई SBI गिफ्ट वाउचर, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ये भी आप कॉपी कर लोगे तो भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा, सब्जेक्ट में आपको छोटा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में मैंने देख सकते हो क्या लिखा है, आई डोंट रिसीव माई SBI गिफ्ट कार्ड। इतना लिखने के बाद दोस्तों, आपको gmail ID डालना है। gmail ID मैंने डाला हूँ SBI की, वही आप कॉपी कर लो वहाँ से देख के। उसके बाद दोस्तों, आपको आपका जीमेल एक बार अच्छे से चेक करना है, कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब होने के बाद दोस्तों, एरो का जो बटन दिखाई दे रहा है आपको, एरो का आइकॉन है ब्लू कलर में, उस पर सेंड कर देना है। उस पर सेंड करने के बाद दोस्तों, आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा, और उसमें लिखा रहेगा 2 से 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा और आपका गिफ्ट वाउचर आपको रिसीव हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट SBI की कस्टमर केयर पे भी कॉल करके, कांटेक्ट करके उनसे बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे अपना गिफ्ट वाउचर मंगाना है। और फिर भी दोस्तों, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।